दोस्तों, सॉल्यूशंस बैंक से बोल रहा हूँ। हम लोग आज जो ऐड ऑन लाए हैं वो है, आप अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, इसलिए PDF एक्सेल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। क्या होता है, कभी कभी ऑडिटर आपसे बोलता है कि कोई परचेज बिल के लिए आप पुराना बिल का कॉपी लेके आओ, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है। आप उसको अपने ड्राइव में स्टोर करके स्कैन कॉपी रख सकते हैं। वैसे ही कोई भी कस्टमर का डिटेलिंग, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कुछ भी आप स्कैन करके रखना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो कैसे, TDL तो मैं कस्टमेशन तो मैं अटैच ही कर चुका हूँ, वो आपको पता है कैसे करना है। नहीं तो पुराना वीडियो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। अकाउंट इन्फो भेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मान लीजिए। तो ये करके देखिए, यहाँ पे एक लोकेशन है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मेरा डी ड्राइव में फाइल है, ये डाल देता हूँ। अब ये डालने के बाद ये स्कैन लोकेशन है, जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक नीचे मेरा एक्सेल फाइल खुल जाता है। तो ये कुछ भी एक्सेल फाइल हो सकता है, PDF डॉक्यूमेंट, JPG हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये एक हो गया। उसके बाद अब हम लोग अपना डे बुक में से परचेज बिल में चलते हैं। तो परचेज बिल में भी आप सेम तरीके से इसको डाल सकते हैं, सेम तरीके से इसको डालेंगे। और यहाँ पे भी स्कैन लोकेशन बोल के, ऐसा नहीं आप रिसीव, पेमेंट, सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, एवरीथिंग का ये ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट कुछ है तो स्कैन करके आप अपना रख सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए सेल बिल के साथ सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट है, उसको भी स्कैन करके आप कोई फोल्डर में रख देंगे तो हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मेरा तो एक फोल्डर बना हुआ है, वो फोल्डर मान लीजिए मेरा डी ड्राइव में मैं जा रहा हूँ, मैंने एक फोल्डर बना लिया, मान लीजिए मेरा एक फोल्डर, मान लीजिए यही फोल्डर है, इस फोल्डर में मेरा सारा चीज़ रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को पहले बंद कर दूँगा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो फोल्डर का नाम कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब जैसे स्कैन लोकेशन में खोलूँगा, देखिए वो फोल्डर भी खुल के आ जाएगा। इसका मतलब कोई बंच ऑफ डेटा कोई फोल्डर में, वो फोल्डर का लोकेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। और इस आइटम का जो प्राइस है, ये थोड़ा हायर रेंज का है, ये भी 500 से स्टार्टिंग है। इसका सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ 13,000 रुपये हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ ये इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये एड ऑन आपको अगर चाहिए तो हम लोग को प्लीज़ ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, थ्रू आपके जो सीरियल नंबर है उस हिसाब से हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।